अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको एआरवाई डिजिटल के आने वाले मेगा ड्रामा सीरियल के बारे में एक्सक्लूसिव अपडेट देंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप दानिश तैमूर के फैंस हैं या फिर सारा खान के फैंस हैं तो ये वीडियो होने वाले आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताने लगे हैं कि एआरवाई डिजिटल पर एक मेगा ड्रामा सीरियल आने जा रहा है और उस ड्रामा सीरियल की हमें मेन कास्ट में दानिश तैमूर और सारा खान देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एआरवाई डिजिटल पे जो ड्रामा सीरियल आएगा उसकी मेन कास्ट में हमें सारा खान और दानिश तैमूर मेन लीड में देखने को मिलने वाले हैं। ये था हमारा ड्रीम कपल। ड्रीम कपल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी और हमारी विश पूरी हो गई। हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि सारा खान किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियल कन्फर्म नहीं हुआ कि ड्रामा सीरियल किस चैनल के लिए अपोजिट कौन से मेल एक्टर होंगे या ड्रामा सीरियल का नाम किसने लिखा है, कौन डायरेक्ट करेंगे, कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ था। बस हमें यह पता चला था कि सारा खान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि सारा खान हमें या तो वहाज अली या फिर दानिश तैमूर के अपोजिट देखने को मिल सकती हैं। तो हमारी एक बात और साच हुई, सारा खान और दानिश तैमूर का एआरवाई डिजिटल पे एक ड्रामा सीरियल आने जा रहा है। ड्रामा सीरियल का नाम क्या होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ड्रामा सीरियल का नाम अभी अनटाइटल है। ड्रामा सीरियल एआरवाई डिजिटल पे रिलीज़ किया जाएगा। आने वाले इस ड्रामा सीरियल को लिखा है जंजाबील आसिम शाह ने, जो कि बहुत अच्छे ड्रामा सीरियल लिख चुकी हैं, लेकिन कुछ अर्सा से जंजाबील आसिम शाह स्टीरियोटिपिकल ड्रामा सीरियल तहरीर कर रही हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला ये ड्रामा सीरियल दानिश तैमूर और सारा खान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि दोनों सुपरस्टार हैं और दानिश तैमूर के फैंस तो बहुत जो होते हैं वो दानिश तैमूर के हर ड्रामा सीरियल को एंजॉय करते हैं। दानिश तैमूर चाहे जो रोल प्ले करें, दानिश तैमूर के फैंस हर रोल को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। दानिश तैमूर का ड्रामा सीरियल ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि दानिश तैमूर हर दफ़ा एक ही टाइप के रोल करते हैं जिसमें एक ही नज़र में लड़की से प्यार हो जाता है। तो दानिश तैमूर का ये एक फार्मूला है। दानिश तैमूर किंग ऑफ एक्टिंग माने जाते हैं। दानिश तैमूर ने जो ड्रामे सीरियल भी किए हैं वो ब्लॉकबस्टर ही हुए हैं। दानिश तैमूर पाकिस्तान के मशहूर अदाकार हैं। दानिश तैमूर का चाहे आने वाला ये ड्रामा सीरियल अपने पिछले रोल से भी मिलता जुलता क्यों ना हो, ड्रामा सीरियल तो चंद ही घंटों में 1 मिलियन और फिर 24 घंटों में 10 मिलियन क्रॉस कर लेते हैं यूट्यूब पे व्यूज़। तो दानिश तैमूर कामयाबी के लिए अपने हर ड्रामा सीरियल को सुपरहिट बनाते हैं और दानिश तैमूर बड़ी मेहनत से हर रोल को प्ले करते हैं। तो सारा खान और दानिश तैमूर आपको आने वाले ड्रामा सीरियल में नज़र आएंगे। मैं इस नए पेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सारा खान और दानिश तैमूर की एक्टिंग को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और ये ड्रामा सीरियल होने वाला मेरे लिए ख़ास, क्योंकि आने वाले इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट करेंगे एहसन तालिश। तालिश बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सुनो चंदा सीज़न 1, सुनो चंदा सीज़न 2 भी डायरेक्ट कर चुके हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा सीरियल भी एहसन तालिश ने डायरेक्ट किए थे। दानिश तैमूर और सारा खान की केमिस्ट्री देखने लायक होगी और इस ड्रामा सीरियल को ऑफिशियल कन्फर्म किया है आईड्रीम एंटरटेनमेंट वालों ने, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल की शूटिंग आईड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले की जाएगी। आने वाले इस ड्रामा सीरियल की शूटिंग तो सारा खान काफ़ी अरसे से कर रही हैं। हो सकता है कि इस ड्रामा सीरियल की शूटिंग काफ़ी मुकम्मल हो चुकी हो, हाफ से ज़्यादा ड्रामा सीरियल की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी होगी, क्योंकि सारा खान ने काफ़ी अरसे से पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। इस पर आने वाले इस प्रोजेक्ट को हिडन रखा गया था ताकि ड्रामा सीरियल सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हो जाए। बाकी कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि इस ड्रामा सीरियल का नाम क्या होना चाहिए और आप लोग ये ड्रामा सीरियल किसके लिए देखेंगे, सारा खान के लिए, दानिश तैमूर के लिए या दोनों के फ्रेश पेयर की वजह से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।